नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एवरीथिंग विद गौरी में। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को, मतलब जितनी भी महिलाएं मेरी सब्सक्राइबर हैं, व्यूज़ हैं, उनको सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, आज का मेरा लुक कुछ इस तरीके से है। तो चलिए पहले अब सुबह का आपको सारा कुछ दिखा देती हूँ कि कैसे मैंने अपनी करवा चौथ की थाली रेडी की है। शॉर्ट वीडियो मैं डाल चुकी हूँ थाली का। तो ये देखिए, मैंने जब मेरा चैनल नहीं था तब मैंने ये बनाई थी थाली, पर इसमें कोई क्लियरिटी नहीं थी। रीज़न ये था कि मैंने इसको बस पेंट कर पाया था, उसके बाद मेरा एक लोग एक्सपायर हो गए थे तो मुझे वहाँ जाना पड़ा। तो ये बच्चों ने, तब बच्चे काफ़ी छोटे थे, तब से ये मैं हर साल सोचती थी कि इसको नया लुक दूँ, बट नहीं दे पा रही थी। तो इस बार भी मैंने एकदम से करवा चौथ वाले दिन रेडी की है। तो देखिए, मैंने एक्रेलिक कलर से इसको पेंट कर लिया है, और पेंट करने के बाद इस तरीके से मैंने पतला वाला जो गोटा पट्टी आती है वो गोटा लिया है, और इस तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा उस पर, मतलब आप किसी भी पेन या पेंसिल से डॉट लगा लीजिएगा तो आपके एक जैसे बिल्कुल आएंगे, नहीं तो थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाए, तो ऐसा भी कुछ खास नहीं। फिर मैंने इसको क्रॉस करके लगा दिया है, तो इस तरीके से मेरे बीच में खाने बन गए हैं, जिनको आप मिरर्स लगा सकते हैं, इनमें आप सिक्वेंस लगा सकते हैं, पर्ल्स लगा सकते हैं। तो मैंने पहले बड़े बड़े मिरर्स लगा दिए, तो इस तरीके से मैंने, देखिए मेरे पास ये जो मिरर्स हैं ये भी मेरे पास पुराने थे, मैंने नए नहीं लिए हैं, बल्कि ये पहले इसी थाली में लगे थे। मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया और इनको मैं दोबारा से रीयूज़ में ले रही हूँ। और इस तरीके से मैंने सारी थाली में मिरर्स लगाने के बाद, मेरे पास एक भगवान जी की टूटी हुई माला थी तो मैंने इस तरीके से इसमें देखिए पल्स लगा दिए हैं जो स्टार शेप में हैं। और इसके ऊपर मैंने गोल्डन मोती लगाने का सोचा, बट वो उतना अच्छा फिर लगा नहीं और टाइम भी नहीं था, तो फिर मैंने नहीं लगाया, मैंने सिंपल ऐसे ही रखा। अगर आप इसके ऊपर एक एक गोल्डन मोती लगाना चाहें, या आप इसके ऊपर और सीक्वेंस छोटे छोटे आते हैं जो ब्लू ब्लू कलर में, वो लगाना चाहें, बहुत सुंदर आएंगे, बट इन सब के लिए टाइमिंग चाहिए जो मेरे पास नहीं थी। और देखिए, इस तरीके से कुछ मैंने अपनी जो चलनी होती है उसको भी डेकोरेट किया, लेकिन अभी आप आगे आगे देखते जाइएगा, मुझे ये कुछ अच्छी नहीं लगी तो मैंने इसको दोबारा से हटा दिया था। जो इसमें ये मैंने गोटा के फूल लगाए हैं, इनको मैं हटा दूंगी, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ एक से दो तीन बार कर करके देखती हूँ, मुझे समझ में आ जाती है, उसके बाद ही मैं सेट करती हूँ। अच्छा, देखिए उसके बाद मेरे पास ये कुकर की रबड़ पड़ी हुई थी, उसका मैंने ये DIY लास्ट ईयर किया था, मैं शॉर्ट में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा, या ऊपर आइकॉन पर डाल दूँगी। तो उसको ही मैंने इसके ऊपर स्टिक कर दिया और लटकन बनाई, जो कि मैं आगे वीडियो में, जो इसके बाद मेरा DIY वीडियो आएगा उसमें आप देखेंगे कि लटकन कैसे बनाते हैं। वैसे ही मैंने लटकन बनाई, और लटकन बना के मैंने इसमें सुई धागे से इसको ऐड कर दिया। देखिए, कोई था नहीं, और ट्राईपॉड भी मेरा सेट नहीं हो पा रहा था, मैं जिस बेड पे बैठ के बना रही थी, टेबल वेबल पे हो पाता है, थोड़ी मेरी एड़ी में दिक्कत है, तो मैं इसलिए खड़े होके नहीं बना रही थी वीडियो। तो मैंने सब कुछ करने के बाद आपको दिखा दिया, और अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से मैंने जहाँ समझ में आया पॉम पॉम लगा दिए, जहाँ समझ में आया वहाँ गोटा फूल लगा दिए, क्योंकि कुछ सूट हुआ है कुछ नहीं सूट हुआ है। और इसी तरीके से मैंने अपनी चलनी को अच्छे से डेकोरेट किया। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग घर पे कोई चीज़ बनाते तो उसमें खर्च नहीं होता है, खर्च होता है, इतने में मार्केट में भी बना बनाया जाता है, बट एक होता है ना कि जो मैंने अपने हाथ से डेकोरेट किया है वो बिल्कुल हटके है। देखिए, चलनी या ये थाली या ये जो लोटे तैयार होते हैं वो सबके, सब लोग मतलब अपने अपने यहाँ करते हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन जो अपनी क्रिएटिविटी द्वारा आप बनाते हैं वैसा आपको पीस दोबारा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इवन अगर आप भी इसको दोबारा बनाना, बिल्कुल टू कॉपी ऐसा बनाना चाहेंगे तो भी आपके भी हाथ से कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, जो इधर उधर हो जाता है। और इस तरीके से मैंने अपनी चलनी को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है, और गैज मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बनने के बाद हो सकता है इतनी विजिबल ना हो रही हो कैमरे में, बट बनने के बाद इतनी सुंदर मेरी चलनी और थाली लग रही थी कि मैं अपने आप ही अपनी तारीफ कर दे रही हूँ। उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी, आउटस्टैंडिंग समझ लीजिए, बहुत सुंदर मेरी थाली और चलनी लग रही थी। और चलिए अब आपको फाइनल लुक इन दोनों चीज़ों का मैं दिखा देती हूँ। और आप सभी से मेरा निवेदन, अगर आपको मेरा वीडियो कहीं पर भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप सभी का हृदय से आभार। और देखिए, इस तरीके से मेरे पास एक अभी मैंने नवरात्रि की वीडियो में डाली, आप लोग अगर चाहे तो चेक कर लीजिएगा, एक मैं भगवान जी की आसन लाई थी बिछाने वाला, वो बहुत ट्रांसपेरेंट था, अच्छा नहीं लगता था बिछाने पर, तो मैंने नवरात्र में तो उसको बिछाया, उसके बाद मैंने उसकी सारी गोटा पट्टी निकाल निकाल कर इस थाली में स्टिक कर दी कुछ इस तरीके से। देखिए, जो नीचे लटकन वाली लेस थी
वो मैंने थाली के ऐसे कॉर्नर पर लगाई है और ऊपर गोटा पट्टी टाइप की जो थी वो मैंने ऊपर लगा दी है। और फ्रेंड्स देखिए, कुछ भी बेकार नहीं होता है अगर आप अपनी क्रिएटिविटी लगाकर थोड़ा भी कुछ अच्छा करना चाहें तो सब कुछ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने एक घंटे में ये 1 से 1.5 घंटे में थाली तैयार की और आप मेरे किचन की हालत देख सकते होंगे कितनी मैसी पड़ी है। चलिए बहुत जल्दी मैं आपके लिए दिवाली पर किचन मेकओवर भी लेकर आऊँगी, तो देख लीजिए आप मेरी चलनी का फाइनल लुक, थाली का फाइनल लुक। इतने सुंदर ये चीज़ें लग रही थी। और अब ये है गड़ुआ, मेरे यहाँ इसको बोलते हैं, मुझे नहीं पता आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं, बहुत सी जगह इसको करवा बोलते हैं, तो जो भी बोलते हो आपके यहाँ। तो बस मैं इसको बिल्कुल, बस मैंने एक्रेलिक कलर से इनको पेंट कर लिया और नीचे मैंने इनमें जो पहले पेंट किया था वही अभी तक है, मैंने दोबारा नहीं किया क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बहुत अच्छे से सब कर पाऊँ। एक दिन पहले सोचा था कर लूँगी, बट मुझे, मेरे यहाँ एक प्रोग्राम और लगा था, मेरे भाई कथा करा रहे हैं तो मुझे वहाँ रोज़ जाना पड़ रहा है, तो इस चक्कर में मेरे पास टाइम नहीं था जो मैं इनको कर पाती, तो इसलिए मैंने इस बार ऐसा ही कर दिया है। फिलहाल फिर भी ये सारी चीज़ें रेडी होने के बाद बहुत सुंदर लग रही थी, अभी आप इनका फाइनल लुक देख लीजिएगा। और अगर प्रभु की कृपा हुई और मतलब सब कुछ कहना चाहिए मेरे वश में रहा तो नेक्स्ट ईयर में इससे भी अच्छे और पहले आपके लिए करवा चौथ थाली का और चंदन का वीडियो लेकर आऊँगी, ताकि हो सकता है मेरी चीज़ों से आपको भी कोई आइडिया मिल जाए। तो इस तरीके से देख लीजिएगा, बहुत सुंदर तैयार हुई हैं ये सब बन के। और जब सुंदर टीम में पूजा करिए ना तो बहुत ही अच्छा लगता है और अपने आप में बहुत मोटिवेशन मिलता है। देखिए ये चीज़ें मेरी हाथ की बनाई हुई हैं, इनका पीस आपको दुनिया में कहीं दूसरा नहीं मिलेगा क्योंकि ये अपने हाथ का ही बनाया हुआ है। और जो आप मार्केट से परचेज़ करते हैं, हालांकि वो भी बहुत कॉस्टली नहीं पड़ती हैं। और देखिए जब कोई ऐसा फेस्टिवल होता है तो हम लोग थोड़ा बहुत तो खर्चा कर ही देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, तो ले भी सकते हैं, पर अपने हाथ की बनाई चीज़ों की बात ही अलग होती है। और ये देखिए फिर पूजा करने के बाद, मेरे यहाँ पूजा का वीडियो नहीं शूट किया मैंने क्योंकि किया नहीं जाता है, उसके बाद ये एक दो मैंने पिक्चर लिए हैं। और ये था मेरा फाइनल लुक करवा चौथ वाले दिन का, आप लोग ज़रूर बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो कहीं पर भी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो, तब तक ले जाएंगे, बाय बाय।